सॉल्ट बाय महाश्वेता देवी जो सॉल्ट है सॉल्ट यानि कि नमक वो महाश्वेता देवी के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी है विच इज़ ट्रांसलेटेड बाय सरमिथा दत्ता गुप्ता और इट वॉज पब्लिश्ड बाय साहित्य अकेडमी एंड द स्टोरी टॉक्स अबाउट अ स्मॉल ट्राइबल विलेज झुज्जर अलॉन्ग विद अलॉन्ग द पैलामाओ रिजर्व फॉरेस्ट तो ये जो कहानी है ये एक स्मॉल ट्राइबल विलेज की है और इसके साथ में पहला रिज़र्व फॉरेस्ट भी है और स्टोरी का जो सेटअप है ये उस समय का है जब कांग्रेस की एक डिफीट हो गई थी मतलब एमरजेंसी पीरियड चल रहा था कांग्रेस के लिए एक उस समय तो ये उस समय के इलेक्शंस का जो बैकग्राउंड है वो इसको दिया हुआ है तो ये ट्राइबल पीपल जो होते हैं उनको लेकर लिखी गई है सो so, स्टोरी का जो सीन है वो कहाँ से बिगन होता है कि इस uh, स्टोरी में सीन ऑफ फोर्ज लेबर तो उत्तम चंद uh, जो है वो लैंड लॉ लैंड ऑनर हैं एंड हैज़ मेड एंटायर विलेज टू वर्क विदाउट वेजेस यानी कि वो उनसे काम भी कराते हैं उनको मजदूरी भी नहीं देते हैं या फिर uh, जो लोग हैं उनको प्रॉपर सैलरी uh, मतलब कुछ नहीं देते हैं तो पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स मतलब वहाँ जो लोग थे पहले लिटरेट होते थे मतलब पढ़े लिखे नहीं होते थे तो इस वजह से उन लोगों को नॉलेज नहीं थी कि उनके क्या क्या अधिकार हैं क्या क्या राइट्स हैं उनके और दे शुड गेट अ शेयर इन द क्रॉप्स मतलब कि उन्हें जो फसल वो उगाते थे जिसके लिए वो काम करते थे उसके अंदर उन्हें शेयर मिलना चाहिए यानी कि उनका हिस्सा मिलना चाहिए तो एक पूर्ति मुंडा जो है इनके अंदर बहुत मतलब एक मेन कैरेक्टर है और जो कि पूरा एक यूथ मतलब एक ग्रुप बना लेता है जो मतलब ट्राइबल्स होते हैं उनका एक ग्रुप बनाता है और उनको एजुकेट करता है उन्हें ये बताता है कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं और हमें किस तरह से काम करना है सो so, पूर्ति मुंडा जो है ये उनको बताता है और एक पूरा का पूरा यूथ ग्रुप तैयार कर लेता है तो अब क्या होता है कि पूर्ति मुंडा जो है वो चैलेंज करता है उत्तम चंद को उत्तम चंद जो है वो जमींदार है और उनको वो जो था चैलेंज करता है कि मतलब या तो आप हमें जो है आधी फसल दो हमारी और मतलब उसके लिए हमें जो है पे करो मतलब या तो हमें फसल का हिस्सा दो या तो हमारी आधी फसल हमें दो क्योंकि हम उस पर मेहनत करते हैं तो जो उत्तम चंद होता है इस बात पर वो चिढ़ जाता है मतलब वो अपने मन में ठान लेता है कि उनसे रिवेंज लेना है मतलब वो उसके मन में जो है ये आ जाता है कि जिस तरह से ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो आगे भी चलकर और लोग फिर ऐसे ही रिएक्ट करेंगे तो इसलिए वो अपने मन में सोच लेता है कि इनसे रिवेंज लेना है तो यहाँ पर जो है स्टोरी पूरी स्टार्ट होती है जो स्टार्टअप है स्टोरी का वो यहाँ से एक हमें सॉल्ट का बहुत अच्छा सा वो मिलता है कि सॉल्ट वैसे तो बहुत सस्ता है और बहुत ज़्यादा एक बहुत नॉर्मल चीज़ है बट देखा जाए तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की क्योंकि आयोडीन हमें बॉडी में जो है डेली बेसिस पे क्वांटिटी में चाहिए होता है तो वो क्या कहता है कि मतलब मैं इन्हें जो प्रॉब्लम है इनके लिए सॉल्ट की वो खड़ी कर दूंगा यानी कि वो उन्हें सॉल्ट नहीं मिलने देगा तो अब सॉल्ट के लिए क्या होता है कि वहाँ पर मार्केट होती है तो वहाँ दो ही शॉप ऐसी होती है जहाँ पर साल्ट मिलता होता है लेकिन वो दो शॉप जो होती हैं वो जो जमींदार है उसके अंडर होती हैं यानी कि उत्तम चंद के अंडर होती हैं तो इसलिए वो क्या करता है कि उन लोगों को जो ट्राइबल थे उनको वो नमक अवेलेबल होने नहीं देता पूर्ति ट्राइज अलॉट मतलब वो बहुत ट्राई करता है कि किसी तरह से उसको जो है मतलब किसी चीज़ के बदले में क्रॉप्स के मतलब वट एवर दे हैड उसके बदले में सॉल्ट मिल जाए बट ऐसा नहीं हो पाता है तो अब क्या होता है वो उसके लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढ कर निकाल लेता है वो तरीका क्या होता है वो सॉल्ट लिक का तरीका होता है सॉल्ट लिक का तरीका मतलब कि जैसे ह्यूमन बॉडी को सॉल्ट की ज़रूरत होती है ऐसी एनिमल बॉडी को भी सॉल्ट की जरूरत होती है और वो सॉल्ट जो है मतलब कोई ना कोई जगह ऐसी ढूंढ लेते हैं जहाँ से जिसे जिस जगह को चाट कर उनको सॉल्ट की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है तो वो एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है विच इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग वो इंसान नहीं है बट दैट इज़ एन एलिफेंट वो एक एलिफेंट है एकोया एक नाम का तो यहाँ पर क्या होता है कि वो उसको नोटिस करते हैं कि वो कहाँ है कहाँ से सोल्ट की कमी को पूरा करता है मतलब कहाँ वो सॉल्ट लेक करता है तो अब क्या होता है कि पूर्ति डिसाइड्स कि हम भी यहीं से सोल्ट लेंगे बट जो हेडमैन होता है हेडमैन इज अनदर इम्पॉर्टेंट करेक्टर हेडमैन जो है बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार इंसान है इसमें और वो उनको सजेस्ट करता है उनको वॉन करता है कि जो एलिफेंट होता है वो नोटिस करता है और इट कैन बी रियली वेरी हार्मफुल फॉर यू इफ़ यू इग्नोर की आ, आप जो भी कर रहे हो तो एलिफेंट आपको हार्म कर सकता है उसके लिए तो बहुत केयरफुली वहाँ जाते हैं और जो है नमक लेकर आते हैं और उससे अपने नमक की जो उनकी कमी है पूरी करते हैं लेकिन एलिफेंट उनको फिर भी नोटिस कर रहा होता है लेकिन कुछ दिनों में क्या होता है कि वो उस चीज़ के लिए केयरलेस हो जाते हैं बिल्कुल मतलब अब वो उस पर ध्यान देना जो है बंद कर देते हैं इस बात पर और प्रॉपर्ली क्या करते हैं उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं बट एलिफेंट वॉज स्टिल नोटिसिंग दैम तो एक दिन क्या होता है कि एलिफेंट जो है दो लोगों पर अटैक कर देता है दोनों एक्चुअली तीन लोगों पर अटैक कर देता है सो so, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है कि नमक के लिए तीन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई सो so, जो हेड मैन था विलेज का वो मतलब बहुत ही मतलब ही हैड नो वर्ड्स टू इवन एक्सप्लेन और वो ये बोलता है कि सिर्फ नमक के लिए तीन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी तो ये बहुत इर्रेशनल है He was unable to express his feelings, feelings to express Nigar with such a complex inside. All he had to say is it is not fair. had he came back to his hut and thinks that people of town would never understand the life and death battle caused by a commodity like salt.